हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रांशु असवाल एसपीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो स्कारलेट विच के ओरिजिन के बारे में शुरू करते हैं, तो लेट्स बिगिन। स्कारलेट विच मैग्नेटो की बेटी है। जी हाँ, एवेंजर्स टीम में एक एक्समैन भी है। मेरा एक सवाल है, अगर किसी एक्समैन कैरेक्टर को लेना ही था तो लोगन को ले लेते, लेकिन अब सब जानते हैं कि लोगन मूवी में उसके साथ क्या हुआ है। तो आगे बढ़ते हुए आज हम और किसी की नहीं बल्कि बला की खूबसूरत स्कारलेट विच की ओरिजिन के बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो हैं वैंडा मैक्सिमॉफ। और शुरू करने से पहले, जैसे कि ये एक फिक्शनल कॉमिक बुक कैरेक्टर है तो इसके कई सारे ओरिजिन्स और स्टोरी लाइन भी हैं, मगर मैं आपको सबसे बेसिक ओरिजिन स्टोरी लाइन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो हमेशा से फॉलो होती आ रही है। स्कारलेट विच सबसे पहले 1964 की अनकैनी एक्समैन इश्यूज नंबर 4, 5 और 11 में नजर आई थी और आगे चल के एवेंजर्स 1965 के इश्यू नंबर 16 में भी अपनी झलक दी, जो कि आगे चल के थोड़े ब्रॉड लेवल पे 1996 के अनकैनी ओरिजिन्स इश्यू नंबर 2 में और 2012 के एवेंजर्स ओरिजिन्स स्कारलेट और विच क्विक सिल्वर नंबर 1 में नजर आई। और स्टार्टिंग में ये मैग्नेटो की ईवल गैंग की मेंबर भी थी क्विक सिल्वर के साथ कुछ समय के लिए। ये कैरेक्टर लाइट में तब आई जब इसे एक बहुत ही अजीब साइको इल्यूजनिस्ट मास्टरमाइंड से फाइट करने का मौका मिला। ये मास्टरमाइंड स्कारलेट को अपनी बीवी बनाना चाहता था, लेकिन स्कारलेट ने साफ मना कर दिया कि इससे शादी करने से अच्छा मैं जहर खा के मरना पसंद करूंगी। और अपनी बहन की रक्षा करने के लिए क्विक सिल्वर मास्टरमाइंड से लड़ने के लिए आ जाता है और साइको डर के कारण हार मान लेता है, लेकिन कुछ समय के लिए। सारी कहानी के बाद जब मैग्नेटो वापस आता है तब टॉड उसे बताता है कि ये दोनों भाई बहन मिलके इस इंसान से झगड़ा कर रहे थे। इसमें टॉड भी एक मैग्नेटो के गैंग का मेंबर है। फिर मैग्नेटो दोनों को याद कराता है कि जब दुनिया वालों ने तुम्हें नकारा तब मैंने दिया तुम्हें सहारा। ये सब सुनने के बाद क्विक सिल्वर मैग्नेटो की टीम छोड़ना चाहता है, लेकिन उसकी बहन मैग्नेटो के एहसानों के कर्ज चुकाए बिना नहीं जाएगी। ये सुनके क्विक सिल्वर भी वहां रुक जाता है। आगे के कुछ समय के बाद स्कारलेट समझ जाती है कि मैग्नेटो पागल आदमी है, क्योंकि वो अपने मकसद के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब देखने के बाद भी सब मैग्नेटो के साथ काम करने लगते हैं। सच जानने के बाद भी सब बदल जाता है जब आइसमैन क्विक सिल्वर को जमा देता है और साइक्लॉप्स भी वहां लड़ने पहुंच जाता है। इन सब के बाद वो तुरंत समझ जाते हैं कि अब उन्हें मैग्नेटो की टीम छोड़ देनी चाहिए और म्यूटेंट्स की भी लड़ाई से अलग हो जाना चाहिए। कुछ साल या महीने शांति से बिताने के बाद स्कारलेट विच समाज के भलाई के लिए काम करना चाहती है, लेकिन बिना म्यूटेंट्स के साथ। और फिर उन्हें एवेंजर्स टीम का पता चलता है। दरअसल स्कारलेट विच की असली जानी मानी ओरिजिन पूरी अलग तरीके से कॉमिक्स में है और स्कारलेट विच मैग्नेटो की मुंह बोली बेटी है। तो स्कारलेट विच मैग्नेटो की बेटी तब बनी जब, आप सबको पता होगा कि मैग्नेटो एक बार एक छोटे से गांव में रह रहा था, तब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट स्टेज में थी और अपने हस्बैंड के शॉर्ट टेम्पर यानी जल्दी गुस्सा हो जाने वाले मूड से भी वाकिफ थी। फिर दोनों ट्विंस के पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उन्हें एक जिप्सी फैमिली को पालन पोषण के लिए दे दिया। फिर आगे जब जिप्सी फैमिली पे हमला होता है तब उन दोनों म्यूटेंट्स को अपनी पावर्स का पता चलता है। इन सब के बाद दोनों म्यूटेंट्स को चार्ल्स जेवियर्स के स्कूल में दाखिले का ऑफर भी मिलता है, लेकिन अपनी पावर्स को देख के दोनों टीम ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। वे जब जेवियर्स को मना करके वहां से निकल ही रहे होते हैं तब उन्हें एक छोटी सी बच्ची दिखती है जिसके ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरने ही वाला होता है। ये देखते ही वांडा अपनी पावर्स को यूज करके बच्ची को बचा लेती है, लेकिन वहाँ के गांव वाले ये सब देखकर उसे विच यानी डायन या चुड़ैल का ओहदा दे देते हैं और उसे जिंदा जलाने की भी कोशिश करते हैं, और वो दोनों शान से मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर हीरो की स्टाइल में मैग्नेटो की एंट्री होती है और मैग्नेटो उन दोनों को जबरदस्ती बचा लेता है। और फिर जब मैग्नेटो को सच्चाई पता चलती है कि उसकी वाइफ ने बिना उसे बताए उनके बच्चों को जिप्सियों के हवाले कर दिया था, मैग्नेटो के साथ टीम ज्वाइन करने के बाद वे दोनों अपने कपड़ों के साथ साथ अपने नाम भी चेंज कर लेते हैं और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। स्कारलेट अपनी पावर्स को बैड लक और इविल पावर भी कहने लग जाती है और उसके अपने भाई के साथ भी उसका गहरा रिश्ता रहा है। उसके पर्सनल लाइफ और लव की बात करें तो कॉमिक्स में उसका अफेयर विजन के साथ भी रहा है और कुछ समय बाद उन दोनों ने शादी भी की है। ये देख के बहुत अजीब लगता है क्योंकि विजन तो ह्यूमन है नहीं, मगर बच्चे कैसे होंगे भाई। यू हियर दैट, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन कॉमिक्स, यू नो दैट। और आगे की कॉमिक्स में बहुत ही अजीब और विचलित घटना भी दोनों भाई बहन किए हैं, जैसे कि इंसेस्ट। इस वर्ड को आप इंटरनेट पे सर्च करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं, हम इसके मीनिंग नहीं बता सकते, इसके लिए हमें बहुत खेद है। तो आगे चलते हैं
बाकी की मार्वल के पॉपुलर कैरेक्टर्स की तरह स्कारलेट भी लोगों की लाइमलाइट में रही है, जैसे कि इसके कई सारे वीडियो गेम्स और एनिमेटेड सीरीज भी चर्चा में नजर आए हैं। इस कैरेक्टर की लाइव एक्शन मूवी भी है, जब एलिजाबेथ ओल्सन ने इस कैरेक्टर के साथ एवेंजर्स 2 फ्रेंचाइज में काम करने के लिए तैयार हुई। तो क्या आप इस बला की खूबसूरत कैरेक्टर के फैन हैं? और आपको क्या लगता है कि ये एक विलेन है या हीरो? कमेंट करके हमें इसकी जानकारी जरूर दें। तो क्या आप ये सारी जानकारी पाके संतुष्ट हैं? पीजे एक्सप्लेन के चैनल में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। रुकुर को जाने से पहले स्कारलेट विच की कसम, लाइक दबाओ और फिर वो जो लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करो, फिर तभी आपका दिन शुभ जाएगा और स्कारलेट विच के प्रकोप से भी आप दूर रहेंगे। जस्ट किडिंग। और सब्सक्राइब मत भूलना। पीजे एक्सप्लेन्ड।